विकास हेतु नई शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से एक नए विश्वास की नींव रखेगा। मुझे आप सबको बताते हुए अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही कि उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति को बहुत ही प्रभावकारी ढंग से लागू कर दिया गया है। साथ ही हमने देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून बनाकर भर्ती परीक्षाओं में होने वाले अपराध को दूर करने का भी कार्य किया है। इसके अलावा हमारी सरकार राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। यह हर्ष का विषय है कि विश्वविद्यालय द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए दूरस्थ शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में आज शिक्षा की पहुंच बढ़ रही है। मैं इस बात से भी जहां मुझे अत्यधिक खुशी हो रही है कि विश्वविद्यालय में एक और जहां हमारे प्राचीन ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए ज्योतिष कर्मकांड जैसे पारंपरिक विषयों का भी यहां पर प्रारंभ हुआ है, वहीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर व्यापक प्रयोग किए जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विज्ञान आधारित जो गवर्नेंस मॉडल है उसकी ओर आगे बढ़ रहा है, जिसमें इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का समन्वय स्थापित हो, इस प्रकार की व्यवस्था हम राज्य के अंदर भी बढ़ा रहे हैं। जो विकास का हमारा मॉडल है वो मॉडल भी हमारा इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन का है। आज साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा माइनिंग जैसे क्षेत्रों में रोजगार की जो अपार संभावनाएं सृजित हुई हैं, इन संभावनाओं के उचित प्रयोग से हम राज्य की जो हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसको भी तकनीकी आधारित बना सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय इन सभी विषयों पर व्यापक रूप से काम कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प, उसके स्वप्न को साकार करने के लिए आप सबके द्वारा जो हमको भी सेवा का अवसर दिया गया है, काम करने का अवसर दिया गया है, पहली बार उत्तराखंड राज्य के अंदर इस राज्य की स्थापना के बाद किसी भी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार सरकार में आने का, सेवा करने का अवसर प्रदान किया, इसको हम सभी का आभार व्यक्त करते हुए और ये संकल्प लेते हुए कि जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार एक पल रुके हुए, एक क्षण बेकार किए हुए राज्य की उन्नति के लिए, राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगी। देहरादून में साइंस सिटी का निर्माण, हल्द्वानी में देश के पहले एस्ट्रो पार्क का निर्माण, अल्मोड़ा में साइंस सेंटर का निर्माण, इसके कुछ ऐसे विशिष्ट उदाहरण हैं जो हमने पिछले समय में जिन पर हमने निर्णय लिया है। उत्तराखंड आपदा से प्रभावित राज्य है, हम सभी जानते हैं। अभी आपदा के क्षेत्र में भी हमने पूरी दुनिया के सभी वैज्ञानिकों को, इसके क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त करने वाले महानुभावों को देहरादून में आमंत्रित किया था और एक बड़ा इस पर हमने सम्मेलन किया था। बहुत सारे उस सम्मेलन से बिंदु निकले हैं, एक बड़ा लोगों ने मंथन किया है और राज्य के अंदर भी हमारे प्रत्येक वर्ष आपदा किसी न किसी रूप में आती है। मैं आप लोगों से अपनी जो तकनीकी क्षमताएं हैं इन माध्यम से ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने का आह्वान करूंगा कि जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी अपनी भूमिकाओं को निभाएं। मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से आप सभी लोग इस क्षेत्र में भी तेजी से काम करेंगे। हमारी सरकार आप सभी के सहयोग से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, राज्य को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उस संकल्प को लेकर निरंतरता से कार्य कर रही है। मैं इस अवसर पर विश्वविद्यालय के हमारे सभी प्यारे विद्यार्थियों से यह आह्वान करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए इसमें आप सब अपनी भूमिका भी निश्चित रूप से सुनिश्चित करें, निश्चित रूप से अपना योगदान सुनिश्चित करें कि मैं भी अपना योगदान किस रूप में इसमें कर सकता हूं, क्योंकि इसमें कोई यह बताने वाला नहीं है कि आपकी भूमिका क्या है। इसमें हर किसी व्यक्ति को, हमारे सभी छात्र छात्रा को, सभी हमारे प्यारे विद्यार्थियों को स्वयं के लिए अपनी भूमिका तय करनी है, क्योंकि
आने वाला समय उत्तराखंड देश का सबसे समृद्धशाली और सशक्त राज्य हो, इस भावना से हम सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा कुछ विश्वविद्यालय के लिए जो आवश्यक काम है जो होने हैं, मैं यहाँ पर उनकी कुछ घोषणा भी करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय सभी को इस बहुत ही शानदार विचार।